अपोजिशन से मेरा क्वेश्चन है, ये जब नहीं होते सत्ता में तो इनका मैनिफेस्टो आता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, और इनको पिछले 55 साल मिले हैं, इन्होंने क्या किया जनता के लिए? आज ये करने के लिए तैयार हैं। ये सनातन धर्म को दिन रात गाली देते हैं, सनातन हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं, मुसलमानों से एकता की अपील करते हैं, हिंदुओं को जातियों में क्यों बांटना चाहते हैं, और मुसलमानों से जिहाद की अपील करते हैं, वोट जिहाद की, और ये दिन रात सनातन धर्म को गाली देते हैं। आप इनसे ये पूछिए, इन्होंने क्यों पिंक ठेके बनाए, क्यों इन्होंने इतने ठेके बनाए गली गली में कि घर से निकलते दारू पिए युवा, आज का युवा काम ना करे दारू पिए, और अब वो दारू के केस में बंद हो गया भ्रष्टाचार इनका केजरीवाल, तो इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। और 25 से उम्र भी घटा के ना 18 कर दी, कह रहे महिला सुरक्षा करूंगा और महिलाओं के लिए ठेके खोल रहे रात को। इतने सारे समन्स जाने के बाद भी उनको इग्नोर करके बैठे थे केजरीवाल जी, क्या जेल में जाके सिंपथी लेना चाहते थे जनता की वोटिंग के लिए? तो आज के इस वीडियो में पब्लिक ने कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि ये दोनों मिलकर पब्लिक से पूछे गए सवाल का एक भी जवाब नहीं दे रहे थे, और अब दोनों अपने नेता को सबसे अच्छा साबित करने पर लगे थे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना था कि उससे ज्यादा ईमानदार नेता किसी का नहीं है, और वहीं कांग्रेस का कहना था कि हमारे नेता से अच्छा प्रधानमंत्री पद के लिए कोई है ही नहीं। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने इसे सवाल किया कि आपके नेता एक तो बेईमान है ऊपर से किए क्या है, तो यह लोग चिढ़ गया और ऑडियंस से ही लड़ने लगा। इस पर ऑडियंस ने धो दिया अच्छे से। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए। मैं अपोजिशन से मेरा क्वेश्चन है कि ये जब नहीं होते सत्ता में तो इनका मैनिफेस्टो आता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, और इनको पिछले 55 साल मिले हैं, इन्होंने क्या किया जनता के लिए? आज ये करने के लिए तैयार हैं। ये आम आदमी पार्टी को कहां 55 साल मिले? अरे मैं कांग्रेस से अपोजिशन से पूछ रहा हूं, कांग्रेस से पूछ रहा हूं, आप तो उनके साथ है, आप तो उनमें ही मिली हुई है ना कांग्रेस में। मैं सब पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा है जो मोदी जी पे भ्रष्टाचार का चार्ज लगा सके? आज तक तो कोई भ्रष्टाचार का चार्ज बताइए, कोई भ्रष्टाचार किया मोदी जी ने? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आराम से बुजुर्ग है, थोड़ा सुन लीजिए। मोदी जी से अच्छा आज तक प्राइम मिनिस्टर ना हुआ ना होगा, उन्होंने इतना काम किया है कोई कर ही नहीं सकता। आप क्या करते हैं सर? मैं प्रोफेसर हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर केमिस्ट्री में। रिटायर्ड प्रोफेसर केमिस्ट्री के? गुस्से में तो नहीं है ना? नो नॉट एट ऑल। चलिए ठीक, बैठिए सर। अंजना जी, आपने कहा देश की राजधानी जहां पे देश की संसद है, जहां पे देश की उच्च न्यायालय है, देश की वही राजधानी जो कि दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है, जहां पे सांस लेने के लिए हमें अपनी जिंदगी का 11.9 ईयर्स गवाने पड़ते हैं, देश की वही राजधानी जहां पे जरा सी बारिश होती है तो 2-2 फुट पानी भर जाता है, ट्रैफिक जैम, एंक्रोचमेंट, कंजेशन रूटीन है, यमुना आज भी गंदी की गंदी है, और अगर आप ये हेलीकॉप्टर लेके उड़ती हैं तो यहां से सिर्फ 5 सेकंड दूर वर्ल्ड फेमस कूड़े के पहाड़ जस के तस खड़े हैं। मेरा सवाल सभी नेताओं से, सभी हस्तियों से जो मंच पे खड़े हैं, कि पिछले 5 से 10 सालों में जो जो मूलभूत समस्याएं मैंने बताई आपको, क्या आपने इनमें से किसी एक को भी रिजॉल्व किया? रिजॉल्व किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा सवाल। मैडम मेरा मैडम मेरा सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। ये सनातन धर्म को दिन रात गाली देते हैं, सनातन हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं, मुसलमानों से एकता की अपील करते हैं। किससे सवाल है आप? दोनों से, कांग्रेस और आपसे, दोनों से। कांग्रेस और आपसे? हाँ। हिंदुओं को जाति में क्यों बांटना चाहते हैं और मुसलमानों से जिहाद की अपील करते हैं, वोट जिहाद की? इनके सलमान खुर्शीद जो इनके वरिष्ठ नेता है, और ये दिन रात सनातन धर्म को गाली देते हैं, और अभी इनको पत्नी धर्म याद आ रहा है। आप वाले ने अभी कहा कि पत्नी धर्म होता है हिंदुओं में, सनातन में, और इनको जब सनातन को गाली निकालते हैं तो पत्नी धर्म याद नहीं आता, सब राज धर्म और भाई का धर्म याद नहीं आता। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, क्या बिजनेस? हमारा वायर का बिजनेस है जी। एक सेकेंड, आप जातियों में क्यों बांटते हैं? अंजना जी, आप जाति के आधार पर क्यों वोट, और वोट जिहाद की बात जो सलमान खुर्शीद साहब ने कही उस पर प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, हमारे जहां तक बात जाति और धर्म की करते हैं, ये देश जो है सर्वधर्म संभाव का है, सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ रहे, सद्भाव रहे, सही सुनता रहे, शांति रहे, मट रहे। अरे वोट जिहाद क्या होता है? मौत से मटे हिंदू, अभी से वोट जिहाद क्या होता है? मस्जिद कौन करता है? मेरा सवाल कांग्रेस से है कि दादी का खेड़ा जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की है, उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा? काहे दुखती रख पे उनके हाथ रख रहे हैं? देखिए, रोज ही दो लोग छोड़ रहे हैं। बच्ची का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। जाने वाले आजकल भाजपा के पास जो है अपना प्रवक्ता अच्छा, नहीं ऊपर है। कौन सा तो केस चल रहा था? कुछ प्रवक्ता को उधार लिया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, इतने सारे समन्स जाने के बाद भी उनको इग्नोर करके बैठे थे केजरीवाल जी, क्या जेल में जाके सिंपथी लेना चाहते थे जनता की वोटिंग के लिए?
अच्छा आप क्या पढ़ रही हैं, इधर आइए, क्या पढ़ रही हैं? आई एम अ BA LLB स्टूडेंट। लॉ पढ़ रही हैं भाई? देखिए बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि छोड़ रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन करीब आए। आज एजेंसी का उपयोग इसलिए किया जाए कि जो सवाल खड़ा करे उसको जेल भेज दे और जो कॉम्प्रोमाइज कर ले वो बीजेपी में आ जाए। स्वतंत्र ये साहब बगल से मुझे चिल्ला रहे थे कि अगर हमें समन भेजा नहीं जाते तो अरेस्ट हो जाते। अंजना जी, सर ऐसा है, केजरीवाल जी थे इसलिए उन्होंने नोनो समन को इग्नोर किया, लेकिन अगर ये आम पब्लिक को समन दिया जाता उसका क्या हाल होता ये आप सब जानते हैं। मैंने केजरीवाल जी को उस टाइम भी देखा है जब उन्होंने स्टार्ट किया था चादर लेके और वो 5-5 रुपए और 10-10 रुपए के लिए इकट्ठा करते हुए। आज केजरीवाल जी कौन से महल में रह रहे हैं, दुनिया जानती है ये सब कहां से आया है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप न्यू वोटर्स के बारे में पूछ रहे थे तो आप इनसे ये पूछिए इन्होंने क्यों पिंक ठेके बनाए, क्यों इन्होंने इतने ठेके बनाए गली गली में कि घर से निकलते दारू पिए युवा। आज का युवा काम ना करे दारू पिए, और अब वो दारू के केस में बंद हो गया भ्रष्टाचार इनका केजरीवाल, तो इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। और 25 से उम्र भी घटा के ना 18 कर दी, कह रहे महिला सुरक्षा करूंगा और महिलाओं के लिए ठेके खोल रहे हो रात को। आप पार्टी वाले बोल रहे हैं कि भैया इनके पास कुछ नहीं मिला फिर भी इनको पकड़ रखा है, बात तो ये कि जो थामाल वो गया कहां? ये तो पक्की बात है कि आपने 200 करोड़ 400 करोड़ खाए रुपए। वो प्रदीप सिंह पन्नू भी कह रहा है कि मुझसे 1,138 करोड़ रुपए लिया, वो कहां गया यही तो ढूंढ रहा है। बात तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भले कुछ काम अच्छे से कराना जानते होंगे, लेकिन दोनों अपने नेता का चमचागिरी अच्छे से करना जानते हैं। इसीलिए तो हर बार जब भी इन लोगों से सवाल किया जाता है तो ये लोग बातों को घुमाकर अपने नेता का सीधा तारीफ करने पे आ जाते हैं। और आज तक कई लोगों का भी रिकॉर्ड नहीं होगा कि ये लोग कभी भी सीधा सीधा पूछे गए किसी सभी सवाल का जवाब दिए होंगे, क्योंकि इन लोगों के पास अपने नेता का चमचागिरी करने के अलावा और कोई काम रहता ही नहीं है, इसलिए तो हर जगह से अपनी बेइज्जती भी कराते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।